गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 64th का मेंस का अभी जो है एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आ गया है, तो आप उसको वेबसाइट को खोलिए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ता है। यूजर आईडी पासवर्ड अगर इनकेस नहीं है तो आप रिकवरी कर सकते हैं, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो फॉर्म में आप मोबाइल नंबर डाले हैं, उस मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो उसके बाद में यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया। तो सबसे पहली बात है कि 6 तारीख को इसको एडमिट कार्ड आ गया है, तो एग्जामिनेशन आपका जो 12 जुलाई से ही होने वाला है, तो इसमें आप कोई झिझक नहीं रखिए। कुछ दिन का वक्त है, अच्छा से जो भी तैयारी आप कर चुके हैं तो उसको आप अच्छा से उसको आप रिविज़न कर लीजिए, एक बार फ्रेश रूप से उसको आप फ्रेश कर लीजिए। हालांकि सब तैयारी कम्प्लीट हो चुका होगा, फिर भी आप उसको एक बार फ्रेश कर लीजिए। इसी कारण मैं अभी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन अपने अनुसार अभी करें, सब कुछ जितना सहयोग था उसके पहले था। और अभी मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा इसे, ताकि आपको अपनी अपने अनुसार स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, कैसे मैं कम समय में रिविज़न करूँ, इन सारी चीज़ों को समझते हुए। और डाउनलोड करने के फीस मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ। मेन वेबसाइट पर जाइए बीपीएससी, और उसके बाद में लेफ्ट साइड बाएं साइड में आपको मिलेगा ऑप्शन, उस पर लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में राइट साइड में ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, उस यूजर आईडी पासवर्ड को अगर इनकेस अगर आपके पास नहीं है, तब आप वहाँ पे उसके नीचे में आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप रिकवरी कर सकते हैं। उसके लिए आप जो उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ आपको जो है वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो उसके बाद में आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड से अगर लॉगिन करते हैं तो आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड में देखेंगे कि दाएं साइड में, राइट साइड में आपको लिखा जाएगा एडमिट कार्ड, प्रीलिम्स एडमिट कार्ड, सॉरी मेंस एडमिट कार्ड। तो आप उस मेंस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐन वक्त पर कभी कभी जो है लिंक फेल हो जाता है, उसकी वजह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत समस्याएँ आ सकती है। तो बस आप पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, प्रिपरेशन तो कम्प्लीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, और मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।